नमस्कार, मैं सिद्धार्थ और आपका बिंग सत्यम में स्वागत है। 14 साल मेरी उम्र थी, हाँ पता चला मेरी लिखाई में हुनर थी। हाँ इतनी बार मेरे सपनों को कुचल दिया, पर गानों से जलाई मैंने कुछ अर्थिया, हासिल किया मैंने काम नहीं रोका। तो आज हम बात करने जा रहे खतनों के बारे में, जो कठमुल्लों के निर्माण में बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। जहाँ विज्ञान के साथ तो खिलवाड़ होता ही है, साथ ही साथ मानवता के साथ भी खिलवाड़ होता है। ये विज्ञान का एक ऐसा क्रूर रूप दिखाया जाता है जिसमें विज्ञान को पूरी तरह तहस नहस कर दिया जाता है। जहाँ एक पुरुषों के साथ कम तो महिलाओं के साथ ज़्यादा ज्यादति की जाती है, और इस्लाम के नाम पर बच्चों का बचपन तो इस तरह रौंदा जाता है जैसे हाथी के तले चींटियाँ रौंदी जाती है। एक ऐसा बचपन जहाँ चाहे बच्चा हो या बच्ची, बस जननांग को पकड़कर पूरा बचपन रोना लिख दिया जाता है। एक ऐसा बचपन जिसमें मात्र हिंसा को जगह दी जाती है, और वही आगे चलकर हिंसावादी, साफ शब्दों में कहें तो आतंकवादी बनते हैं। यूं तो इंसान भगवान की सबसे उत्तम कृति है, रचना है, परंतु इस्लाम के अल्लाह की माने तो उसने बहुत सारी गलतियां कर रखी है, जिसको कठमुल्लों द्वारा, उन्हीं के चेलों द्वारा दूर की जाती है। ये एक आमतौर पर लड़कों का होता है। उनका जो लिंग होता है उसके आगे की खाल काट दी जाती है, पर ये तो बात हुई लड़कों की। अब आप सोच रहे होंगे कि लड़कियों के साथ क्या होता है। उनका काटा जाता है क्लिटोरिस। क्लिटोरिस उनके शरीर का एक ऐसा अंग है जिसके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है। यहाँ तक कि क्लिटोरिस के लिए आम भाषा में कोई शब्द ही नहीं है। संस्कृत में इसे भग्न शिश कहते हैं। ये खाल का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जो लड़कियों की वजाइना की ओपनिंग के ठीक ऊपर होता है। ये बहुत ही दर्दनाक और रिग्रेसिव प्रथा है। छोटी छोटी बच्चियाँ महीनों तक दर्द से तड़पती रहती हैं। उनको पेशाब करने में बहुत तकलीफ होती है। अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन हो जाते हैं, सिस्ट हो जाता है। यहाँ तक कि जब वो बच्चे को जन्म देने वाली होती हैं, तो उन्हें काफी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है। अब जब इस प्रथा के इतने सारे नुकसान हैं, तो इसे करते ही क्यों हैं? वजह सुनकर आपको और भी अजीब लगेगा। ऐसा माना जाता है कि अगर लड़कियों का क्लिटोरिस काट दिया जाए तो वो सेक्सुअली एक्साइट नहीं होंगी, उनका सेक्स करने का मन नहीं करेगा, शादी से पहले वो वर्जिन और प्योर रहेंगी। यहाँ तक कि क्लिटोरिस को हराम की बोटी भी कहा जाता है। क्या क्लिटोरिस औरत के शरीर का एक वो भाग है जो सेक्सुअल प्लेजर के लिए है। औरत के शरीर में मात्र एक हिस्सा है जिससे उसे सेक्सुअल प्लेजर मिलता है, उसे क्लिटोरिस कहा जाता है। तो क्लिटोरिस के ऊपर एक क्लिटोरल होल्ड होता है जो बहुत सारी ग्लैंड से बना हुआ है, टिश्यू है, और वो एक्चुअली रोल क्लिटोरल होल्ड का प्रोटेक्शन ऑफ क्लिटोरिस है, क्योंकि क्लिटोरिस बहुत ज़्यादा नाजुक एक भाग है जिसमें 8,000 नर्व एंडिंग्स होते हैं। तो बच्ची का ये भाग काटा जाता है। अगर कठमुल्लों की कुरान को, उन कट्टरपंथियों की कुरान को सोचे तो उनके लिए एक औरत मात्र खेती का साधन, चाहे जब काटो, चाहे जब मारो, चाहे जैसे उपयोग, चाहे जो करो उसके साथ, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, क्योंकि इनके अल्लाह ने कहा है, वारे अल्लाह तेरी रहमत, एक का काटा तो दूसरे का सिल दिया। इसी बात पे अर्ज किया है, अल्लाह अल्लाह करना एक दूसरे का काटना और सिलना है, यूं तो मस्जिद मस्जिद फिरना है, फिर भी रोड नमाज पढ़ना है। काट के ये काटते हैं, कटने वाले खाट पे है, इनकी मौज रात में है, लाल बत्ती वाली गाड़ी।